गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और बस अभी सुबह का टाइम है तो बस मैंने सोचा कि कल मैंने जो है ना डोसे के लिए बैटर तैयार करके रखा हुआ था, तो कल जो है ना रात में मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें जो खमीर उठता है ना वो नहीं उठा था अच्छे से, तो फिर डोसा जो है अच्छे बनते भी नहीं, तो इसलिए मैंने ना रख दिया था उसको कि मैंने सोचा कि चलो सुबह बना लेंगे, सुबह तक ठीक हो जाएगा वो। और अभी वो ठीक हो गया है बैटर, तो बस यहाँ पे मैंने उसकी तैयारी करना शुरू कर दी है। यहाँ पे देखो आलू बॉईल हो रहे हैं उसके स्टफिंग के लिए, और यहाँ पे मैंने चने की दाल भिगो कर रख दी है। ये मैं सब्जी बनाऊंगी तो सब्जी की तैयारी भी मैंने अभी से ही कर ले रही हूँ ताकि मेरे काम जो है जल्दी जल्दी से निपट जाए। और यहाँ पे मैंने क्या है ना, और यहाँ पे मैंने देखो कद्दू लौकी और ये आलू लिए हैं सांभर के लिए, तो मैं सांभर बनाने वाली हूँ। तो चलो फिर तैयारी कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो ये कट के रख गई हमारी सारी सब्जियाँ, कद्दू लौकी और आलू। और यहाँ पे मैंने कद्दू भी कट कर लिया है सब्जी के लिए, ये है प्याज। तो चलो किचन में चलते हैं, पहले सब्जी छोंक देते हैं क्योंकि अभी इसमें टाइम है। तो यहाँ पे कद्दू की सब्जी छोंक दी है, आलू बॉईल हो चुके हैं लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा देर के ऐसे रख दिया है। तो सब्जी हमारी गल रही है यहाँ पे, तब तक हम जो है यहाँ पे प्याज लहसुन भी छील लेते हैं, दूसरी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं लौकी चने की दाल। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे खाना बना लेते हैं फटाफट से। तो बस यहाँ पे अभी लौकी चने की दाल के लिए मसाला जो है वो छौंक देते हैं, मतलब मसाला भी बनता रहेगा। वहाँ पे हमारी कद्दू की सब्जी बन रही है, हरी मिर्च वाला कद्दू बना रही हूँ मैं। और हाँ जी, मतलब मैं ये बोल रही थी कि लोग वक्त कितनी ज़्यादा आसानी से बोल देते हैं कि बच्चे कर लो, बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो, अब इतने साल हो गए हैं ये वो, लेकिन उस औरत से पूछा जाए तो उस पर क्या बीतती है वो खुद ही जान सकती है। मतलब मुझे इस बारे में जो है ना, जब जो भी चीज़ें मालूम हुई हैं तो मेरा जो है ना ये सारी चीज़ें सोच सोच के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि मतलब कैसे क्या होगा। और सीमा बाजी बता रही थी कि जब सानिया उनके पेट में आई तो तब तक उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो उनकी जो दुआ है वो कबूल हुई है। और लेकिन उसके बाद में जो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, वो खाना वगैरह कुछ भी नहीं खा सकती थी, मतलब लिक्विड ही लिक्विड जा रहा था उनके पेट के अंदर, मतलब और कुछ भी नहीं खा पी पा रही थी वो, उनको हर एक चीज़ में बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, तो वो कुछ भी चीज़ें नहीं खा पी पा रही थी। और ऐसा सभी लेडीज़ों के साथ में होता होगा शायद, है ना, आप लोगों के साथ में हुआ है या नहीं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बता रही थी कि फिर मैं तो हमेशा लिक्विड ही लेती थी, मतलब जूस वगैरह ही लेती थी। मोने भाई जो है ना, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, और मतलब फलों के पेटियाँ वगैरह सब कुछ ला के रख देते थे वो उस टाइम पे, फ्रूट्स वगैरह, तो घर में ही वो जूस वगैरह निकाल कर खाती पीती थी, मतलब ऐसा रहता था उनके साथ में। बस मोनू भाई ने उस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था, मेवा के लड्डू वगैरह सब कुछ बना के रख देते, मतलब बहुत अच्छे से केयर की थी उन्होंने उस टाइम पे उनकी, और अभी भी करते हैं। वो प्यार है मियाँ बीबी का, देखो आपस में मोहब्बत है तो वो तो चलती ही रहती है। आप लोग सोचोगे कि मोनू भाई की तारीफ़ ही कर रही हूँ, वो तो खैर तारीफ़ लायक है ही। और सच में हमारी फुप्पी जान भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके हस्बैंड ने ही उनकी हेल्प की है, हर एक चीज़ में मदद की है, सपोर्ट किया, उनकी सासू माँ ने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और सीमा बाजी भी मतलब अपनी हर एक बात शेयर करती थी, और ऐसा नहीं कि अपनी सास हैं या फुप्पी हैं तो उनके साथ में कोई चीज़ नहीं शेयर करें, अपना सुख दुख जो भी कुछ होता है वो उनको अपनी माँ की तरह ही समझती थी, जैसे हमारी मम्मी हैं वैसे ही वो अपनी सास को भी समझती थी। और बाकी में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी दोनों के बीच में, अगर हमारी सास भी होती तो शायद ऐसा ही होता, वो भी मुझे कुछ चीज़ समझाती हैं, है ना, कुछ चीज़ें बताती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो जो है हमेशा मतलब अपनी सासू माँ को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, उनकी बहुत याद आती है हम लोग को सबको ही। और मैं तो बस हमेशा यही कहूँगी कि जितनी भी सारी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो वो लोग जो है अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझें, उनको प्यार दें अपनी माँ की तरह ही, क्योंकि वो भी किसी की माँ है, देखो वो भी आपको अपने बच्चों की तरह ही रखती हैं, बेटियों की तरह ही मानती हैं, तो आप भी उनको अपनी माँ की तरह ही मानें। मतलब आपका कोई भी बुरा नहीं चाहता है, देखो आपकी चाहे सास हो चाहे माँ हो, वो आपका बुरा नहीं चाहेंगी, हमेशा अच्छा ही चाहेंगी, है ना। तो इसलिए बस
उनके साथ में अच्छे से रहो और खुश रहो और एकदम मतलब सारी चीज़ें शेयर करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए, काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली हैं, अब फोकस करते हैं अपने खाने की तरफ। आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे हमारा सांभर भी बन के तैयार है और बस यहाँ पे जो है हमारी सब्जियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। देखो, लौकी चने की दाल भी तैयार है, तो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, सारी चीज़ें बन गई हैं। यहाँ पे हरी मिर्च वाला कद्दू मैंने बनाया था, कद्दू मैंने थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते घर में, इसी वजह से। और सांभर भी बन गया है, सांभर मसाला डालना भूल गई थी इसके अंदर, तो बस वो भी डाल देते हैं अब फटाफट से जो है अपना जो है ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। मतलब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही हो रहा है यहाँ पे, तो बस अभी यहाँ पे डोसा तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से बनाती हूँ मैं, और डोसा वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, सांभर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था मार्केट जैसा ही। और आप लोग भी घर में ट्राई ज़रूर करना। ये देखो, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी वाले हमारे डोसा बने हैं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों के लिए दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा जो है खाना बनाने के बाद सारे काम कर ख़त्म करने के बाद मैं ये यहाँ जो है ये एडजस्ट फ़ैन ले आए थे, तो बस यहाँ पे एडजस्ट फ़ैन लगा दिए हैं दो, एक ऊपर वाले जाल पे लगाया हुआ है और एक किचन में लगाया हुआ है, क्योंकि किचन में क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसी वजह से एडजस्ट फ़ैन हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। और बस यहाँ पे वो दोनों लग चुके हैं, तो बस मैं देखने आई हूँ यहाँ पे, इन्नू भी देखने आई है। मतलब कोई चीज़ नई लगती है ना, सबको शौक लगता है कि चलो हम भी देखेंगे देखेंगे करके। और बस यहाँ पे जो भी सामान वहाँ से हटाया हुआ था ना एडजस्ट फैन लगाने के लिए, तो वही सारा सामान वहीं पे फिर से रख देते हैं। और बस ये सारा गैस स्लैब वगैरह सब साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे एकदम। तो हम लोग जो है ना चिमनी लगाने का सोच रहे थे, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि किचन में हम लोग चिमनी लगवाने वाले हैं, लेकिन जब हम लोगों ने उन भैया को बुलाया तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि आपके किचन जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर साइड है और पाइप के पाइप जो है ना बिल्कुल घूम फिर के जाएगा, मतलब घुमाव ज़्यादा हो जाएंगे उसमें, तो वो चिमनी जो है काम नहीं करेगी अच्छे से। तो फिर हम लोगों ने जो है क्या करें, कैंसिल कर दिया। देखते हैं, तब तक हम लोग जो है एडजस्ट फैन से ही काम चला रहे हैं। तब इंशाल्लाह हमारा नया घर बनेगा तब हम उसमें लगवाएंगे। और यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर, और मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा, मतलब अभी कुछ दिन से मैं केयर नहीं कर रही हूँ ना अपने फेस की, तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे। तो बस यहाँ पे मैं ये मैंने मंगाया हुआ था अमेज़ोन से, आप लोगों को भी बताया था मैंने, तो ये मैं लगा रही हूँ चारकोल वाला सीट मास्क, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने इससे पहले ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं लगाती हूँ मैं वैसे तो। और बस यहाँ पे देखो, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब इसे थोड़ी सी मसाज कर लेंगे जो भी बचा है इसका ऑयल। तो मेरा फेस सही हो गया ना? बहुत अच्छा हो गया। चाकू वाला लगाया? हाँ। ये कौन सा है? ये लेमन वाला। तो दोनों एक साथ लगा रही है? नहीं, ये आपके लगा रही है। मेरे मत लगाओ यार। आपके लगा रही है। नहीं यार। ये अच्छा रहता है, बेकार है। मैंने नहीं लगा था। आपके तो देखो, आपको भी अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा, आप बस बात नहीं करना। कपड़े के ऊपर बनाया गया है। मुझे लग रहा है आपके यहाँ पे, आप ठीक है? आग बंद हो गई, एक आग बंद कर दी सही। अच्छा नहीं है, चिपक भी नहीं रहा। कैसे लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। चिपचिपा लग रहा है? मैंने कभी नहीं लगाया आज तक। अभी थोड़ी देर लेटे रहो, जैसे मुआनी लेटी थी ना वैसे। गाइस, अगर आप काले हैं और अगर आपको गोरा होना है तो यही लगाना, ठीक है? अभी हम लगा रहे हैं फेस मिस्क। अभी मुआनी इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगी। तो यहाँ पे आ गई हैं इनाया और चाचू, वैसे भी नहीं लगा रहे थे, मना कर रहे थे, और इनको सिर्फ लगाए हुए 5 मिनट ही होंगे, और यहाँ पे इनाया आ गई, तो इनाया भी इनके हटा रही हैं ये मास्क, बोल रही कि चाचू क्यों लगा रखा है आपने, इसको हटाओ।
सो गाइस अभी नहा धोकर मैं हो गई हूँ एकदम तैयार, और आप लोग जो है मेरा ये चेहरे का ग्लो देख ही रहे होंगे। मास्क लगाने के बाद में कितना ज़्यादा अच्छा मेरा चेहरा हो गया है, तो मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि चारकोल तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। जब भी मैं मतलब कोई भी फेस वॉश अगर यूज़ करती हूँ ना, तो चारकोल वाला ज़्यादातर बेहतर रहता है, तो वो अच्छा लगता है मुझे। और ये मैंने दुपट्टा ले लिया, और पता है ये वाले जो लेस मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, तो इस लेस से इन वाले दुपट्टों में जो है ना चार चांद लग गए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं अब तो ये दुपट्टे। और ये वाली फ़्रॉक मैंने डाली हुई है, तो ये जो फ़्रॉक आप लोग देख रहे हो ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसमें घेर भी काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख ही सकते हैं ये देखो। और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, रेयन कपड़ा है, तो इसका जो प्रिंट था ना, वो कुछ कुछ प्रिंट जो है ना छूट चुका है, रबर प्रिंट था इसके ऊपर, लेकिन जो आधा प्रिंट छूट गया और आधा प्रिंट है अभी इसके ऊपर। ये देखो कैरी रेडी जैसा बना हुआ है, कैरी कच्चा आम, तो ये मुझे अच्छा लगता है फ्रॉक मेरा। और बाकी क्यों मेरे फेस पे ग्लो आया है ना, पता है मैंने इनको लगाया था, तो इन्होंने ज्यादा देर तक नहीं लगाया, क्योंकि ये शांत नहीं रह सकते, फिर बच्चे भी आ गए थे, तो फिर इन आया जो है ना इनके फेस से वो मास्क हटाने लगी थी, तो फिर इन्होंने तुरंत हटा दिया था, सिर्फ 5 मिनट ही लगाया होगा, उसके बाद हटा दिया था, तो इनके फेस पे ज्यादा ग्लो नहीं दिख रहा है। तो चलिए अभी नमाज का वक्त हो रहा है, तो नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, तो बस लिपस्टिक लगाई है, और मैं खाना लेने जा रही हूँ, तो बच्चों की आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों का, है ना। दरवाज़ा खोल देती हूँ मैं, यहाँ पे आ गए हैं इनाया, और इनाया को पहना दिया हमने साड़ी, जो अपने दुपट्टा था मेरा उसकी उसने साड़ी पहन ली है, और यहाँ पे देखो बस मैंने क्लचर वगैरह लगा दिया अच्छे से, उसको सेट कर दिया, तो उड़ रही मटक रही है वो आराम से। और बस उसके बाद में फिर जो है शाम का वक्त हो गया था, तो कुछ ठंडा वंडा पीने का मन करता है, अभी आम भी आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मैंगो शेक बना लिया था, तो बस यहाँ पर अभी जो है सर्व कर देती हूँ सबको, क्योंकि पापा को भी दूंगी, और मोनू भाई या सीमा भाई नीचे ही बैठे हुए हैं, तो ये 3 ग्लास नीचे जाएंगे, बाकी के ऊपर ही। और बस यहाँ पे जो है शाम को ये ले आए थे, शाम को जो होता है ना कि हम लोग जो है सीमा भाई से पूछ लेते हैं, या भैया या फिर ये कभी भी मतलब कुछ भी, तो क्या है ना पूछ लेते हैं उनको क्या खाना है, तो बस पानी टिक्की लेकर के आ गए थे ये, और बोल रहे थे कि पानी पता है मैं दूसरी जगह से लेकर के आई हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने ये टिक्कियाँ ली थी ना पानी टिक्की, तो उसका जो है ना पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर पानी मुझे दूसरी जगह से लाना पड़ा है, तो इसलिए पानी का टेस्ट जो है ना अलग था, मुझे पसंद नहीं आया था। और बस यहाँ पे हमारी पानी पूरी मैं निकाल रही हूँ, और ये पेस्ट्री भी लेकर के आए हैं, तो पेस्ट्री हम लोगों में से तो कोई भी नहीं खाएगा, ये सीमाबाजी के लिए है, तो बस वही खाएंगी, और यहाँ पे पानी पूरी भी सर्व कर लेते हैं। और पानी पूरी जो है ना काफ़ी टाइम से नहीं खाई थी सच में, जब से लॉकडाउन लगाया और उससे पहले से कभी, मतलब बहुत टाइम हो गया था पानी पूरी नहीं खाई थी, तो भी मन किया, और अभी यहाँ पे देख रही हूँ ना मैं, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है फिर से, तो अच्छा सबके मुँह में ही आ रहा होगा जो जो लोग देख रहे होंगे ना। और चलिए ये था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।